तो हे गाइस नमस्कार, फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तीन जबरदस्त MIUI 12 धासु थीम्स के बारे में, जो कि भाई आपके फ़ोन में ओपी जचेगा। ठीक है, ये पोको, रेडमी और MI के डिवाइसेस के लिए, मतलब Xiaomi के जितने भी डिवाइसेस हैं सबके लिए है। ठीक है, और जिसमें स्टॉक एंड्रॉइड है उसके लिए नहीं है। तो MIUI 12.5, 12.6 और MIUI 12 का ये थीम, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। सब कुछ डार्क फोर थीम में वर्क करेगा। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आपको डार्क थीम में भी स्विच करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपका डार्क थीम भी अच्छे से वर्क करेगा। तो ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा और सब कुछ ऐसे वीडियो में बात करेंगे इस थीम्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, अगर चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं हमेशा लेके आते रहता हूँ। बूट एनिमेशन का वीडियो चाहिए तो बूट एनिमेशन का वीडियो आप देख सकते हो, मेरे चैनल में पहले से ही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, मेरा नाम अनिश रॉय, आप देख रहे हो टेक्नो प्रभु, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइस हमारे लिस्ट का सबसे पहला जो थीम है वो है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मतलब पहला, तो फर्स्ट में रखा है हम लोगों ने पहले थीम को, फर्स्ट को फर्स्ट में रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थीम कुछ जिस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो कंट्रोल सेटर है वो नहीं आपको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो ये वाला जो यहाँ पे नॉर्मल सा जो क्विक सेटिंग्स है, क्विक सेटिंग्स पैनल है, वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसको डेफिनेटली सबसे पहले हम अप्लाई कर लेते हैं इससे पहले कि लेट हो जाए। और यहाँ पे आपको कुछ पॉपअप्स होगा तो इसको इग्नोर कर लेना है। कुछ कुछ MIUI 12 में ये वर्क नहीं कर रहा है, मतलब अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कंट्रोल सेंटर काफ़ी धासु लग रहा है। ठीक है, और एकदम मस्त मक्खन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे गेम वगैरह अच्छे से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, सब कुछ चल रहा है स्मूथली एकदम। हम लोगों ने मतलब मेरे बहुत सारे गेम्स को यहाँ पे खेला है इस थीम में, क्योंकि अगर थीम अप्लाई करोगे, जिन जिनको नहीं पता, कुछ कुछ थीम्स है जो सिर्फ बग रहता है तो उसमें गेम वगैरह अच्छे से चलता नहीं है, तो लैग वगैरह मारता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसका क्विक सेटिंग्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा लगता है, मतलब अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे कंट्रोल से जो आप बोलोगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्विक सेटिंग्स की, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सेटिंग्स को ले चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग्स का कुछ पेज इस टाइप का सजा हुआ है, आपको बहुत ही अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल सेंटर को डिसेबल करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला भी काफ़ी धासु लगता है यहाँ पे क्विक सेटिंग्स। ठीक है, बात करो डायलर के, डायलर में कुछ इस टाइप का आपको डायलर देखने को मिलता है, नॉर्मल सा देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे मैसेजिंग ऐप की बात करो, मैसेजिंग ऐप की सेम देखने को मिलता है यहाँ पे। और अगर बात करें यहाँ पे वॉल्यूम पैनल की, वॉल्यूम पैनल में थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको चेंज देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे वॉल्यूम पैनल अगर चेंज हो जाता है तो बहुत ही मस्त लगता है। और बाकी आइकन पैक आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा गोल गोल करके, थोड़ा सा लाइट कलर का आपको यहाँ पे मिनिमल सा देखने को मिलता है, जो कि मतलब लाइट थीम को यहाँ पे वो करता है, मतलब वो फुट थोड़ा अच्छा फ्रेश कर देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो VPN टर्बो का यहाँ पे जो आइकन है, ये खरगोश का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो गाजर का देखने को मिलता है। और बाकी सब कुछ आप यहाँ पे आइकन वगैरह देख सकते हो, पबजी का आइकन चेंज नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे न्यू स्टेट का भी आइकन चेंज नहीं होता है। और अदरवाइज यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिसमें आइकन वगैरह चेंज नहीं होता है, अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे। और हम बात करें यहाँ पे इसका चार्जिंग एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन इसमें देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्टेप का देखने को मिलता है चार्जिंग एनिमेशन में, यहाँ पे शायद चार्जिंग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ स्टेप का शो होगा, तो ये मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट थीम की ओर। तो यार नेक्स्ट थीम का नाम है MIOS। ठीक है, इसको सिंपली आपको अप्लाई कर देना है, डाउनलोड अप कर सकते हो। यहाँ पे आपको थीम स्टोर पे देखने को मिल जाएगा ग्लोबल वाले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर की बात करें, कंट्रोल सेंटर में कुछ इस टाइप को देखने को मिल जाता है आपको, वाईफाई आइकन वगैरह सब कुछ, टॉगल वगैरह जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस टाइप का कलरफुल आपको देखने को मिलता है। और कलरफुल आप सबको पता है येलो जो है हमारे चैनल को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे डेटा वाला आइकन जो यहाँ पे आपको इनेबल डिसेबल करोगे तो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा एक एनिमेशन वगैरह। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे आइकन मतलब टोकन देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर में। और अदरवाइज यहाँ पे हम सेटिंग्स की और बात करें, सेटिंग्स में आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे सिस्टम ऐप अपडेटर का यहाँ पे थोड़ा सा अगली वाला आपको देखने को मिलता है, ये वाला आइकन बहुत बड़ा हो गया पता नहीं क्यों। अदरवाइज आप देख सकते हो यहाँ पे सब छोटा छोटा आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, आई मीन टोकल्स। और अबाउट फोन की बात करें, अबाउट फोन में कुछ इस टाइप का आपको MIUI वर्जन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डायलर पैड की, डायलर पैड में आपको कुछ इस टाइप का डायलर देखने को मिलता है। ठीक है, डायलर पैड की बात करते हैं तो डायलर पैड में आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का सेम देखने को मिलता है। अभी मैं बताऊँ क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज देखने को इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा जो वर्जन है वो MIUI 12 है, ना ही 12.5 या फिर 12.6, मैंने अपडेट भी नहीं करा है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो डायलर पैड है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है, अदरवाइज यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो आप अगर MIUI 12.5 यूज़ करो या फिर 12.6 यूज़ करो, तो गाइस आपको डेफिनेटली यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम पैनल की बात करें, वॉल्यूम पैनल आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है, आइकन वगैरह आप देख सकते हो, कलर भी थोड़ा सा चेंज है। और यहाँ पे अगर हम बात करें अदरवाइज दूसरे कुछ भी, यहाँ पे मैसेजिंग ऐप की, मैसेजिंग ऐप में यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है आप देख सकते हो। और
यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्टेप को बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पे एक लुक प्रोवाइड कर रहा है ये थीम, और इसका जो वॉलपेपर है काफी ज्यादा अट्रैक्टिवल है, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन की बात करें, लॉक स्क्रीन आपको वेजेट्स देखने को मिलता है, वेजेट्स बहुत ही अमेजिंग सा वेजेट्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो डेफिनेटली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट वगैरह आप मैंने क्लिक किया तो शायद बग है ये, मैं फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करके बता देता हूँ। तो ये बग है एक्चुअली, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने जैसे एडिट वगैरह में क्लिक किया तो ये एडिट नहीं हो रहा था, अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूजिक वगैरह सब कुछ यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो ये क्लॉक वाला वर्क कर रहा था, और यहाँ पे स्टेप वगैरह आपको दिखा देगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे टाइम वगैरह आपको देखने को मिलता है, आप जैसे ही टाइम में क्लिक करोगे यहाँ पे इसको अनलॉक करोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें काम कर रहा है, कुछ कुछ चीज़ें काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आइकन पैक जो है, आइकन पैक मुझे उतना खास नहीं लगा, आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो इसका आइकन पैक के बारे में आपको क्या लगता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थीम की ओर। नेक्स्ट थीम की बात करें तो नेक्स्ट थीम जो है ये मेरा सबसे फेवरेट थीम है, इस एपिसोड का सबसे फेवरेट थीम मेरा यही है। इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है ये मैं बता देता हूँ, और क्यों फेवरेट थीम है ये मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसके क्विक सेटिंग्स की, मतलब कंट्रोल सेंटर की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टॉगल्स वगैरह अच्छा खासा, और यहाँ पे कलरफुल आपको देखने को मिलता है ये भी ब्लू और ग्रीन में। और डेटा वाला जो है यहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़ा सा अलग कलर का देखने को मिलता है, और फ्लैश लाइट भी अलग कलर का देखने को मिलता है। अदरवाइज यहाँ पे आपको डार्क थीम भी यहाँ पे आपको मिलता है, और यहाँ पे डार्क मोड में भी एक थीम वर्क करता है। आप देख सकते हो डार्क मोड से मैं लाइट मोड में स्विच कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। और यहाँ पे आइकन पैक वगैरह छोटा मोटा कर दिया गया है, आप आइकन पैक बढ़ा भी सकते हो, बड़ा कर सकते हो। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे डायलर की, डायलर में आपको यहाँ पे कुछ चेंज देखने को मिलता है, और ये MIUI 12 है तो 12 में ये भी देखने को मिलता है, MIUI 12.5 में भी चेंज देखने को मिलेगा। और हम बात कर रहे थोड़ा सा यहाँ पे बैक चले जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेजिंग ऐप की, मैसेजिंग ऐप यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, इसमें भी चेंज है आप देख सकते हो। और हम बात करते हैं थोड़ा सेटिंग्स के ओर ले चलते, तो सेटिंग्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स वाला जो आइकन, मतलब सेटिंग्स वाला जो पेज है वो फुल्ली चेंज आपको देखने को मिलता है। और एक चीज़ जो चेंज देखने को मिलता है वो मैं बाद में बताऊंगा, जिसके कारण मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये थीम। तो अबाउट फोन में जाने के बाद देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरेज वाला जो कलर है ये आपको ब्लू के जगह आपको रेड देखने को मिलता है, और यहाँ पे MIUI 12 देखने को मिलता है, MIUI 12.0.1 स्टेबल वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। और ये थीम मतलब एकदम ही मतलब मस्त थीम है ये, ठीक है। और यहाँ पे इसका तो वॉल्यूम पैनल चेंज देखने को नहीं मिलता, वॉल्यूम पैनल चेंज होता तो और भी मज़ा आता इस थीम को यूज़ करने में। और एक चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, अभी मैं बता दूँ क्यों अच्छा लगता है मुझे ये थीम, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो ये वाला देख मिल रहा है यहाँ पे नेटवर्क का, तो नेटवर्क और वाईफाई वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही अलग से ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बैटरी आइकन आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का टेडी बेयर दिया हुआ है, और अगर हम यहाँ पे इंटरनेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड वगैरह आपको यहाँ पे शो होता होगा। और यहाँ पे वोल्टेज जो है नॉर्मल वाला देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 4G वाला में आइकन आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे पसंद आने वाला है ये थीम। तो इस थीम को डेफिनेटली ट्राई करना बनता है भाई, क्योंकि ये बहुत ही मस्त थीम है और मेरा सबसे फेवरेट थीम है। तो इस थीम का नाम मैं बता देता हूँ आपको, तो इस थीम का नाम है टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे समरी में आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे डेवलपर का सब कुछ देखने को मिल रहा है, रिबूट योर फोन एंड एंजॉय आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आप मैंने रिबूट नहीं करा, आप रिबूट कर सकते हो तो आपको अच्छा खासा आपको यहाँ पे चेंज लॉक देखने को मिलता है। और एक चीज़ मैं लॉक स्क्रीन की बात करूँ, लॉक स्क्रीन में भी आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, बहुत ही अलग से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो नाउ टाइम आपको यहाँ पे सेटिंग सेकंड वाला शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और एक कंट्रोल आपको यहाँ पे खुल जाता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन जैसे फील एक आ जाता है, ठीक है। और ये अच्छी तरीके से मतलब बहुत ही स्मूथ है भाई, देखो आप बहुत ही स्मूथ है, जैसे ही क्लिक करो यहाँ पे सब कुछ काम कर रहा है, यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह भी ऑन हो रहा है भाई, ये कंट्रोल सेंटर की तरह काम कर रहा है। तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हो, चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो टेक्नो प्रभु के नाम से, वहाँ पे मैं हमेशा अपडेट्स देता रहता हूँ, वीडियो नहीं आता है लेकिन अपडेट्स आता है, तो अपडेट्स वाले में आप डेफिनेटली अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को वहाँ पे अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली बहुत ही खुश हूँगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके आप सिंपली ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी, तो जाके जल्दी से जुड़ जाओ मेरे साथ। और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।